हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। हमारे पास कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें से जब हम कोई एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर यूज करते हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया है और इसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं, टोटल पार्ट्स यहाँ पर कितने, 5, 1 2 3 4 5, और इन 5 में से हमने 2 पार्ट्स को यहाँ पर शेड किया है। तो अब जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा जितने पार्ट्स हमने लिए हैं इसमें से, 2, तो 2 अपॉन 5, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है हर एक केस में। तो टोटल देख लेते हैं यहाँ पर कितने बनते हैं, 1 2 3 4, और 4 में से यहाँ पर 2 शेड किया है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा फर्स्ट वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 1, हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसका फिगर बना हुआ है, हम सिर्फ फ्रैक्शन लिखेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा 2 अपॉन 4, और इसको हम 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये हमारे पास आ सकता है 1 अपॉन 2, या 2 अपॉन 4 भी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कोई भी पार्ट इसका हो आप खुद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल पार्ट है 9, और 9 में से यहाँ पर 8 शेड है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 8 अपॉन 9। ओके, और जैसे हमारे पास 6th पार्ट दिया है, 6th पार्ट में क्या है कि जो शेडेड किया है हमने वो कितना किया है, इस वाले पार्ट में हमने शेड कितने को किया है, 3 को, टोटल कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगा 6th पार्ट में बन जाएगा 3 अपॉन 12। ओके, तो हम 6th पार्ट का लिख देते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 12। इसी प्रकार से आपने बचे हुए पार्ट्स को खुद से सॉल्व करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो आपने क्या करना है, कलर करना है, यानी कि शेड करना है आपने। ओके, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, जिसने हमें 1 अपॉन 6 दिया, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स टोटल है यहाँ पर, 6 में से हमें 1 को शेड करना है। ओके, मैं एक पार्ट इसमें से सॉल्व कर देता हूँ, पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारे पास से फ्रैक्शन दिया यहाँ पर 3 अपॉन 4, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं 3 पार्ट्स को यहाँ पर क्या कर दूँगा, शेड। ओके, तो इसके टोटल पार्ट्स 4 हैं, तो मैं यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने सभी पार्ट में शेड करना है, कलर करना है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। जैसे यहाँ पर
जो एरर बन रहा है वन अपॉन टू. सो दिस ट्राइंगल इज नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, सो दिस इज द एरर. हम लिख सकते हैं कि देयर आर द गिवन शेप इज नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स. ओके, और हम इस वाले क्वेश्चन में एक रीजन लिख सकते हैं सबके लिए कॉमन. यू कैन राइट द शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट, द शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरर जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है यहाँ पर, वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ओके, तो ये तीनों के लिए आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना है आपने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. तो वन डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24. 24 में हमने लिया है 8 आवर्स. हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स. एक दिन के जो 8 घंटे होंगे वो कितना फ्रैक्शन होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स. तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 8 आवर अपॉन 24, और हम कह सकते हैं 1/3, दैट इज द आंसर. बिकॉज 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर होमवर्क, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, बिकॉज 40 मिनट्स लिए हैं हमने, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60. तो 40/60 करेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर सकते हो होमवर्क में. ओके, इट इज़ फॉर प्रैक्टिस ओनली, यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ. बिकॉज वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज दिस, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच. आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम. द अदर टू बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच. आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच. सो हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, एंड वट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. तो यहाँ पर इजीली आ गया, हम क्या करेंगे उस सैंडविच के 3 3 पार्ट्स करेंगे. ओके, तो हर एक के हिस्से में जो, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट, तो आर्या क्या करेगी, उनको डिवाइड करेगी 3 पार्ट्स में. ओके, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो फ्रैक्शन होगा 1/3 होगा यहाँ पर. ओके, तो ये आप कर सकते हैं सॉल्व खुद से. सेवंथ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कंचन डाइज ड्रेसेस. ओके, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड. ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस. उसे कितनी ड्रेसेस को डाई करना था, 30 ड्रेसेस को, और उसने कितने को फिनिश कर दिया है, 20 को. तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. सेवंथ क्वेश्चन में हो जाएगा, कंचन हैड टू डाई 30 ड्रेसेस. ओके, एंड कंचन
हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस. ओके, 20 ड्रेसेस को वो फिनिश कर चुकी है. सो फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड. सो फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड विल बी इक्वल टू 20 अपॉन टोटल 30. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा और 2 अपॉन 3 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. Write the natural numbers from 102 to 113. What fraction of them are prime numbers? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे. इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँगा तो यहाँ पर 2 से लेकर 12 तो जितने ही प्राइम नंबर्स होंगे हमें उनको काउंट करना है. अपॉन टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 से लेकर 12 तक 11. ओके, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया इसी तरह से है, इसमें भी हमें सेम करना है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम. तो ये भी आसान है. टोटल सर्कल कितने हमारे पास 8 और एक्सेस कितने बना यहाँ पर 4 में, तो 4 अपॉन 8 आ गया यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. ओके, तो ये 11th क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क है. तो आपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना है. 8, 9, 10, 11 यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ. ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश किया है. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन प्रॉपरली एंड यू हैव टू कम्प्लीट द गिवन क्वेश्चन इन होमवर्क इन योर फेयर नोटबुक. ओके, फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. दैट्स ऑल.